वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत आज से 20,000 साल पहले एक कबीले को दिखाते हुए होती है, या उस कबीले का मुखिया ताऊ अपने लोगों के साथ शिकार पर आया है, क्योंकि सर्दियों का समय आने वाला है और वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने आए हैं। और उनके सामने भैंसों की एक बहुत ही बड़ी झुंड होती है। मुखिया अपने लोगों को भैंसों पर हमला करने का इशारा करता है, लेकिन तभी भैंसों को पता चल जाता है और वो जंगली भैंसों का झुंड इनकी ओर तेजी से आने लगता है। पर कबीले वाले भैंसों की तरफ अपना भाला फेंकते हैं, इससे भैंसे अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन भैंसों को पता नहीं होता कि वो जिधर बढ़ रहे हैं उधर बहुत गहरी खाई है। सभी भैंसे खाई में गिरने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा की तरफ वापस आने लगता है। ये देखकर केड़ा बचने के लिए भागने लगता है, पर वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में फंसा लेता है और खाई की ओर बढ़ने लगता है। केड़ा के पिता ताऊ ये देखकर उसे बचाने के लिए भाला फेंकते हैं और वो भाला भैंसे को लग भी जाता है, लेकिन तब तक भैंसा केड़े को खाई के ऊपर उछाल देता है और केड़ा उसी खाई में जा गिरता है। और यहाँ से कहानी कुछ दिनों पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ कबीले के लोग शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी रात केड़ा की मॉम केड़ा के पिता से कहती है कि आप केड़ा को शिकार पर लेके मत जाओ, वो अभी बहुत ही छोटा है और मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। केड़ा के पिता कहते हैं कि सर्दियों का समय आने वाला है और सभी शिकार पर जाते हैं, हमें खाने को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना होगा और केड़ा भी इसमें हमारा साथ देगा। अगली सुबह कबीले के लोग अपने शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें ताऊ का बेटा केड़ा भी शामिल होता है। वे शिकार के लिए काफी दूर जाते हैं और इस बीच उन्हें अपने पूर्वजों की पत्थर से बनी स्मारक मिलती, जो कभी इनके ही पूर्वजों ने बनाया था ताकि इन्हें रास्ते का सही पता चल सके। और वहीं पर एक और कबीला होता है जो इन्हीं की तरह शिकार पर निकला है। दरअसल सर्दियां आने से पहले जितने भी कबीले होते हैं वे सब के सब शिकार पर जाते हैं ताकि उन्हें सर्दियों में खाने की दिक्कत ना हो। और अब ये दोनों कबीले एक साथ होकर शिकार पर निकल पड़ते हैं और सफर के दौरान उन्हें एक जंगली सुअर मिलता है। ताऊ अपने बेटे केड़ा को उसे मारने को कहता है, पर केड़ा ऐसा कर नहीं पाता। ताऊ अपने बेटे के हाथों से खंजर लेकर उस जंगली सुअर को मार देता है, जिसके बाद ताऊ केड़ा को काफी डांटता है और उससे कहता है कि अगर तुम इसी तरह करते रहे तो तुम कभी भी अपने कबीले के लीडर नहीं बन पाओगे। और अब रात होने पर सभी अपने शिकार को खा रहे होते हैं, तभी वहां पर एक शेर आ जाता है और केड़े के दोस्त को झपट कर अपने साथ ले जाता है। यह देखकर केड़ा सहम जाता और वो काफी डर जाता है। अगली सुबह सभी उस लड़के की याद में उसकी एक छोटी सी स्मारक बनाते और वहां से अपने शिकार के लिए निकल पड़ते, पर आज उन्हें रास्ते में कोई भी शिकार नहीं मिलता। अब रात के वक्त सभी एक गुफा में रुके होते हैं, जहाँ ताऊ अपने बेटे केड़ा के हाथों में कुछ सितारों की डिजाइन बनाता है और उसे बताता है कि अगर तुम रात के वक्त उन सितारों से मिलाकर चलोगे तो तुम अपने घर पहुंच जाओगे। सुबह होते ही एक बार फिर सभी शिकार के लिए निकल पड़ते हैं, तभी उन्हें रास्ते में जंगली भैंसों के पैरों के निशान मिलते हैं, जिसे देखकर वे समझ जाते हैं कि उनका शिकार कहीं आसपास। जिसके बाद सभी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जंगली भैंसों का झुंड होता है और अब वे जंगली भैंसों का शिकार करने लगते हैं। और यहाँ वह पल आ जाता है जब भैंसे ने केड़ा को खाई की ओर उछाला था। और यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ भैंसे ने केड़ा को चट्टानों से खाई की ओर उछाला तो था, लेकिन केड़ा खाई में गिरा नहीं होता। वो किसी तरह से एक चट्टान को पकड़ लेता। केड़ा के पिता वहाँ पहुंच जाते और अपने बेटे को हिम्मत बनाए रखने को कहते, लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे केड़ा ने पकड़ा होता है। केड़ा चट्टान से गिरने लगता है और वो चट्टानों से टकराते हुए चट्टानों के एक छोटे से हिस्से में जा गिरता है। केड़ा का पिता केड़ा को आवाजें देता रहता है, लेकिन उसका बेटा कोई भी जवाब नहीं देता। वहीं अब रात हो जाती है, पर केड़ा का पिता केड़ा को अभी भी पुकार रहा होता है। वो सारी रात केड़ा को आवाजें देता रहता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। और अगली सुबह जब उसका बेटा नहीं जागता है तो सभी समझ जाते हैं कि केड़ा अब नहीं रहा, इसलिए उसकी याद में एक छोटी सी स्मारक बनाते और वहां से चले जाते। अगले दिन केड़ा के पास कुछ परिंदे आकर बैठ जाते और उसे नोचने लगते, लेकिन तभी केड़ा को होश आ जाता है। इसके बाद केड़ा अपने पिता और कबीले वालों को आवाज देता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि सब के सब वहां से चले गए होते हैं। केड़ा काफी डरा हुआ होता है और अब केड़ा चट्टानों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ने लगता है, लेकिन उसे चढ़ा नहीं जा रहा होता है क्योंकि वो काफी जख्मी होता है और नीचे बहुत गहरी खाई है। पर किस्मत उसका साथ देती है, वहां पर थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है जिससे नीचे पानी भर जाता है। केड़ा उसी पानी में कूद जाता है और किनारे की ओर आ जाता है, पर वो बेहोश होता है। और जब उसे होश आता है तो उसे पैरों में काफी दर्द हो रही होती है। असल में उसका एक पैर टूट चुका होता है। वो अपने पैर को लकड़ियों से बांध देता है और चट्टानों के ऊपर पहुंचता है, जहां उसे वो छोटी स्मारक दिखती है। वो समझ जाता है कि उसके पिता और कबीले वाले उसे मरा हुआ विश्वास कर चुके थे कि केड़ा की मृत्यु हो चुकी है, जिससे केड़ा काफी टूट जाता है और चिल्ला रहा होता है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ भेड़िए उसकी तरफ आने लगते हैं।
कीड़ा भेड़ियों से बचने के लिए एक सूखी पेड़ पर चढ़ जाता है और रात पूरा उसी पेड़ पर गुजारता है। अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तो वहाँ पर भेड़िया आ जाती है। कीड़ा भेड़ियों से बचने के लिए सूखी पेड़ की तरफ वापस भागता है और जब वो पेड़ पर चढ़ रहा होता है तभी एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है। कीड़ा अपने खंजर से उसे मारता है जिससे वो भेड़िया वहीं पर गिर जाता है और वो ऊपर पेड़ के चढ़ जाता है और रात पूरा उसी पेड़ के ऊपर गुजारता है। सुबह होते ही वो वहाँ से निकलना चाहता है। वो अपने आसपास देखता है, उसे दूर दूर तक कोई भी भेड़िए नजर नहीं आते। वहाँ पर सिर्फ एक भेड़िया होता है जिसे कीड़ा ने कल घायल किया था। कीड़ा को डर होता है कि वो अगर नीचे उतरा तो वो जख्मी भेड़िया उसे मार देगा, इसलिए वो तय करता है कि वो उस जख्मी भेड़ियों को मार देगा। और जब कीड़ा उसे मारने के लिए जाता है तो उसे भेड़िए के ऊपर दया आ जाती है। वो उसे उठाकर उसे गुफा में ले जाता है जहाँ इससे पहले उसने अपने कबीलों वालों के साथ रात गुजारी थी। अगली सुबह कीड़ा उठकर बाहर जाता है और अपने लिए कुछ जड़ी बूटियों को लाकर उसका मिक्सचर बनाता है और अपने घाव पर लगाता है। कीड़ा पानी पी रहा होता है तभी उसकी नजर भेड़िए पर पड़ती है जहाँ भेड़िया अपना मुंह खोल लेता है। कीड़ा को लगता है कि भेड़िया प्यासा है इसलिए वो उसे पानी पिलाने के लिए जाता है। भेड़िया उसे देखकर गुर्राने लगता है पर कीड़ा हिम्मत करके उसे पानी देता है जिसे भेड़िया पीने लगता है और अब भेड़िया बिल्कुल शांत हो जाता है। वो कीड़ा पर हमला नहीं करता। भेड़ियों को देखकर कीड़ा को दया आ जाती है। वो देखता है कि भेड़िए का जख्म बहुत गहरा है इसलिए वो अपनी बनाई हुई दवा को उसे लगा देता है। उसे काफी पछतावा होता है क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए उसे खंजर से मारा था। अब दोनों को भूख लगने लगती है तो कीड़ा बाहर निकलता है। उसे एक जंगली खरगोश दिखता है, वो उसे पकड़ लेता है और वो उसके गोश्त को खुद भी खाता है और भेड़िए को भी खिलाता है और अब यहाँ से दोनों के बीच दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। और इसी तरह वे दोनों कई दिन उस गुफा में गुजारते हैं क्योंकि दोनों के दोनों जख्मी होते हैं। फिर एक रात कीड़ा आसमान में उन सितारों को देखता है और अपने हाथों में बने सितारों के डिजाइन से उनसे मिलाता है जिससे ये लगता है कि कीड़ा अब घर जाना चाहता है। अगली सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयारी करने लगता है। वो भेड़िए को भी कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ। वो भेड़िए को बताता है कि मैं अपने घर के लिए निकल रहा हूँ और तुम्हें भी अपना घर जाना चाहिए। वो भेड़िए को भगा देता और वहाँ से जाने लगता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वो भेड़िया दिखता है। वो भेड़िए को भगाने की काफी कोशिश करता है लेकिन भेड़िया उसका पीछा करना बंद नहीं करता। ये देखकर कीड़ा उसे अपने साथ लेकर चल पड़ता है और सफर के दौरान उन्हें रास्ते में एक जंगली सुअर मिलता है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं पाते और आज की रात उन्हें भूखे ही सोना पड़ता है। पर अगले दिन भेड़िया एक खरगोश को पकड़ लेता है जिसे दोनों मिलकर खाते हैं और उसके अगले दिन भी भेड़िया नदियों से कुछ मछलियों को पकड़ता है। ये देखकर कीड़ा को काफी अच्छा लगता है इसलिए वो उसका एक नाम देता है अल्फा। वो उसे अल्फा पुकारता है और इसी तरह दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती जाती है। कीड़ा को सफर किए हुए कई दिन बीत चुके होते हैं और अब वहाँ पे सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है। कीड़ा भी अल्फा के साथ रहकर शिकार करना पूरी तरह से सीख चुका होता है और अब वो खुद भी शिकार कर लिया करता है। और एक रात जब दोनों अपने शिकार को खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ भेड़िया आ जाते हैं। कीड़ा खतरा देखकर अपनी खंजर निकालता है लेकिन वो देखता है कि वो अल्फा के परिवार है जो उसे लेने के लिए आए हैं। अल्फा अपने परिवार के साथ जाने लगता है और जाने से पहले एक बार पीछे मुड़ कर देखता है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। वो कीड़ा को शुक्रिया कहता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे अल्फा को भी कीड़ा को छोड़कर जाने का मन नहीं करा होता है। पर कीड़ा उससे कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है लेकिन अगले दिन कीड़ा अल्फा को काफी याद करने लगता है। उसे वो हर चीज याद आने लगती है कि कैसे अल्फा ने उसे शिकार करना सिखाया और दोनों साथ में ही शिकार किया करते थे। कीड़ा ने अल्फा के साथ कई यादगार दिन गुजारे थे। उसे अल्फा की काफी याद आती है। वो काफी अकेला महसूस करता है। अगले दिन कीड़ा अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। वो बर्फीले तूफानों को पास कर रहा होता है तभी उसे दूर कुछ भेड़िए दिखाई देते हैं और उन भेड़ियों में से एक अल्फा भी होता है। कीड़ा अल्फा की तरफ भागता है लेकिन तभी वो एक जमा हुआ लेक में गिर जाता है। वो बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है तभी वहाँ पर अल्फा आ जाता है। अल्फा उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो बर्फ नहीं टूटती। कीड़ा अपने खंजर से उस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं जिसके बाद दोनों एक साथ आग के पास सोते हैं और रात गुजारते हैं। अगली सुबह कीड़ा फिर से चल पड़ता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर कीड़ा काफी खुश हो जाता है लेकिन पास आने पर उसे पता चलता है कि वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। ये देखकर कीड़ा निराश हो जाता है क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि वो भी अब बर्फ में जमकर मर जाएगा। पर फिर भी कीड़ा हिम्मत नहीं हारता। वो अल्फा के साथ आगे बढ़ने लगता है और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी कुछ लकड़बग्घे उन पर हमला कर देते हैं। वो जान बचाने के लिए गुफा में चले जाते हैं पर वहाँ अल्फा गुर्राने लगता है। कीड़ा को समझ नहीं आ रहा होता है कि अल्फा ऐसा क्यों कर रहा है और तभी वहाँ पर एक शेर आता है
और केरल पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अल्फा उस पर हमला कर देता है। और जब दोनों लड़ रहे होते हैं तभी केरल अपने धनुष से उस शेर को मार देता है। अल्फा शेर से लड़ते हुए काफी घायल हो गया होता है, इसलिए केरल उसके घाव पर जड़ी बूटी का मिक्सचर लगा देता है और उसे कहता है कि मैं और तुम हमेशा एक साथ रहेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिसके बाद दोनों एक साथ फिर से निकल पड़ते हैं, पर अल्फा जख्मी होता है, वो सही से चल नहीं पा रहा होता है, तो केड़ा उसे अपने गोद में ले लेता है और बर्फीले तूफानों से गुजरने लगता है। इस बीच उसे वही स्मारक मिलती है जब वो अपने कबीले के साथ शिकार पर निकला था। वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते में, वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो अपने घर से कुछ ही दूर है। और चलते चलते केड़ा भी थक चुका होता है, इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। केड़ा सपने में अपने माता पिता को देखता है तो वो फौरन उठ जाता है। वो कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जरूर अपने घर पहुंच के रहूंगा। केड़ा अल्फा को अपने गोद में उठाता है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपने घर की ओर चल पड़ता है। और कुछ समय चलने के बाद आखिरकार वो अपने कबीले तक पहुंच जाता है। कबीले वाले जैसे ही केड़ा को देखते हैं तो वो फौरन उसके पास चले जाते हैं। केड़ा के माता पिता उसे देखते ही गले लगा लेते हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। केड़ा कहता है कि आप अल्फा को बचा लो। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब वो होश आता है तो वो देखता है कि अल्फा के बच्चे हो चुके हैं और वो पूरी तरह से ठीक है। कबीले वाले अल्फा और उसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये वो दौर होता है जब इंसानों ने जानवरों से दोस्ती करना और साथ रहना शुरू कर दिया था, और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है।